जब भी हमें कुछ हल्का फुल्का या हेल्दी खाने का मन हो तो इडली का नाम सबसे पहले नाश्ते में आता है। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ रवा यानी सूजी का इडली। इसे बनाने में आपको बहुत कम समय लगेगा और इस इडली को आप सांभर के बिना यानी सिर्फ चटनी के साथ भी खा सकते हैं। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। रवा या सूजी का इडली बनाने के लिए एक बर्तन में हम एक कप सूजी ले लेंगे। मैंने यहाँ पे ये बारीक वाली सूजी यानी रवा ली है, इसे हम एक बर्तन में डाल देंगे। जितना हम सूजी लेंगे उसकी आधी क्वांटिटी हमें दही इस्तेमाल करना है, तो खट्टी दही जो प्लेन वाली दही आती है ना बिना फ्लेवर वाली, वो दही डाल दें। और इसके बाद हम इसमें एक छोटा चम्मच के करीब नमक डाल देंगे। इन सबको अच्छे से मिला दें। तो जब भी आप सूजी या रवा इडली बनाएं तो ध्यान रखें कि आपको एक कप सूजी, आधा कप दही और उसके बाद उसमें 3/4 कप पानी डालना है। तो यहाँ पे हम 3/4 कप यानी आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा और एक कप से थोड़ा सा कम इतना पानी डाल देंगे। पानी थोड़ा थोड़ा करके मिलाएं। आप चाहिए तो आधा कप पानी पहले डाल दें और बाद में जब सूजी फूल जाए तब आप पानी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये एक ही बार में पानी डाल दिया है। तो एक कप सूजी, आधा कप दही और 3/4 कप पानी, एक छोटा चम्मच नमक, मैंने बस इतनी सारी चीज़ें इसमें डाली है। तो यहाँ पे मैंने इसे मिला दिया है। अब हम इसे ढक के रख देंगे। तो कम से कम 15 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटा के लिए आप इसे ढक के रख दें ताकि सूजी जो है वो थोड़ी फूल जाए। तो जब तक ये फर्मेंट हो रहा है ना तब तक हम क्या करेंगे कि थोड़ी देर बाद यहाँ पे गैस ऑन करके इडली बर्तन में पानी गर्म होने के लिए रख देंगे। अगर आप चाहिए तो एक लेमन का स्लाइस डाल दें पानी में, उससे इडली का बर्तन जो है वो नीचे से काला नहीं पड़ता है। तो ये टिप आप ध्यान रख सकते हैं। तो यहाँ पे इसे ढक के पानी में उबाल आने का वेट करें और तब तक ये जो इडली मोल्ड है इसमें हम थोड़ा सा तेल डाल के इसे ग्रीस कर लेंगे ताकि इडली जो है वो चिपके नहीं इससे। तो यहाँ पर हल्का सा ऑयल डाल के और ब्रश या फिर हाथों से इसे अच्छे से ऐसे स्प्रेड कर दें। तो जब तक सूजी हमारी फूलती है तब तक ये वाला सारा प्रोसेस करके रखें ताकि हम आगे का जो प्रोसेस है वो फटाफट कर पाएँ। 15-20 मिनट बाद जब हमारी ये सूजी जो है वो फर्मेंट हो जाएगी, मतलब फूल जाएगी, तब हम इसे वापस एक बार मिक्स करेंगे और इसके बाद अब हम इसमें डाल देंगे इनो। बैटर की जो कंसिस्टेंसी है वो इतनी रखें, इससे ज़्यादा पतली नहीं रखें। तो अब हम इसमें डाल देंगे इनो। तो एक छोटा चम्मच हम इसमें ब्लू वाला इनो ऐड करेंगे। अगर आपके पास ब्लू नहीं है तो आप ग्रीन वाला मतलब लेमन वाला भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ब्लू वाले से टेस्ट अच्छा आता है। लेमन वाले में थोड़ा सा नींबू का ऐसे फ्लेवर आता है इसमें। तो इनो डालने के बाद इसे अच्छे से मिला दें। पहले इनो बस एसिडिटी में काम करता था, आजकल ये केक, इडली वगैरह फुलाने में, ढोकला बनाने में काम आता है। तो इनो के बहुत सारे फायदे हो गए आजकल। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो मिक्सचर है मतलब ये जो बैटर है इसे हम इस इडली मोल्ड में डाल देंगे। ध्यान रहे बैटर जितना ज़्यादा डालेंगे इडली उतनी ही बढ़ेगी, ये डबल क्वान्टिटी में फूलती है। तो आधा से ज़्यादा इसे नहीं फील करें। ये देखिए, अगर आपको बड़ी इडली चाहिए तो बैटर थोड़ा ज़्यादा डालें, मुझे थोड़ी छोटी छोटी इडली पसंद है तो मैंने यहाँ पे इतना ही बैटर डाला है। और इतनी क्वांटिटी में आपको यहाँ पे 12 इडली बन जाएगी आराम से। तो जैसे ही पानी उबलने लगे हम ये इडली स्टैंड ये इडली मेकर में डाल देंगे। इडली स्टैंड नहीं मतलब इडली का मोल्ड इडली स्टैंड में डाल देंगे और इसके बाद इसे ढक के कम से कम 15 मिनट मीडियम फ्लेम पर हम इसे स्टीम करेंगे। 15-20 मिनट आपको स्टीम करना है। बीच में आप 15 मिनट बाद एक बार चेक कर लें ऐसे नाइफ़ या टूथपिक से। अगर ये ड्राई निकल रहा है मतलब इडली हमारी अच्छे से पक गई है, अगर थोड़ा भी इसके ऊपर चिपक रहा है मतलब इसे पकने में समय लगता है। तो 2 मिनट और रखती हूँ मैं, वैसे तो हो गया है लेकिन आपको एग्जांपल दिखाना है इसलिए मैं इसे 2 मिनट और रखती हूँ। तो बीच में आप इसे 2 बार चेक ज़रूर करें। तो यहाँ पर ये देखिए नाइफ़ एकदम ड्राई निकला है। तो अब हम यहाँ पे गैस को बंद कर देंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा हो जाने के लिए रख देंगे। उसके बाद इडली मोल्ड से हम इडली निकालेंगे। तो यहाँ पर इसे मैं हटा देती हूँ। जैसे ही स्टीम थोड़ा सा कम हो जाए ना तब हम इसे निकालेंगे। अगर ये गर्म रहा और इडली को निकालेंगे तो इडली जो है वो टूटने लगेंगे। थोड़ा सा ठंडा हो जाने दें मतलब सेटल हो जाने दें, उसके बाद ऐसे स्प्रेडर से या फिर नाइफ से या फिर स्पून से आप इसे निकाल लें। स्पून से ये बहुत ही आसानी से निकलता है और ये देखिए। तो जब भी हम राइस की इडली बनाते हैं तो उसे बनाने के लिए काफ़ी लंबा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, और अगर आपको ऐसे इंस्टेंट इडली खाने का मन करे तो ये सॉफ्ट इडली आप सूजी से बना सकते हैं आधे घंटा में। तो अब हम चलते हैं इसे सर्व करने के प्रोसेस में। तो सर्व करने के लिए ये जो इडली डोसे वाली चटनी आती है ये रेडीमेड मिलती है मार्केट में, और इसके साथ मैंने ये हरी चटनी रख दी और इसके साथ सांभर रख दी। आप इस इडली को सिर्फ नारियल की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो ये हमारा इंस्टेंट ब्रेकफास्ट बन के तैयार है। और यहाँ पे एक इडली मैं तोड़ के दिखाती हूँ कि इसके अंदर का टेक्सचर कैसा है। ऊपर से तो एकदम परफेक्ट दिख रहा है, तो चेक कर लेते हैं। ये देखिए एकदम परफेक्ट जालीदार, और यहाँ पे ये सॉफ्ट भी है। तो आप भी इस झटपट बनने वाले इडली की रेसिपी को ट्राई करें, ये आपको बहुत पसंद आएगा।